स्टूडेंट्स हमेशा की तरह एक अच्छे से थॉट के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा नहीं सकते, अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा नहीं सकते। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गदर बैच के अंदर इंग्लिश का 21st चैप्टर, जिसके अंदर आप सीखने वाले हैं नाउन नंबर्स के बारे में कि सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, प्लुरल क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम जानेंगे अपने कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएंगी कि इंग्लिश के सिलेबस के अंदर कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर पूरे सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएंगी, जिसके अंदर हमने कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस को डिस्कस किया है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैब, वर्ब एंड इट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। इसके साथ साथ क्वेश्चन टैग को डिस्कस किया है हमने, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को भी डिस्कस किया है, और इसके साथ साथ में टेंसेस को डिस्कस किया है, नाउन्स उसके टाइप्स को डिस्कस किया है, प्रोनाउन उसके टाइप्स को भी डिस्कस किया है, और करेक्ट स्पेलिंग के साथ साथ जो वर्ड ऑर्डर होते हैं, जो सेंटेंसेस के अंदर वर्ड का ऑर्डर होता है, जंबल वर्ड्स होते हैं, उनको भी हमने डिस्कस करे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें सिलेबस के अंदर इस पार्ट में, तो आप देखेंगे सेंटेंस का फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा जो एंटोनिम सिनोनिम्स हो गए उसको हमने डिस्कस किया है, और एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया है, इंटरजेक्शन डिस्कस किया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस इसको भी बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल स्टोरी के साथ में एक्सप्लेन करा है, हिंदी मीनिंग्स बताई हैं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आएँ। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है कलेक्टिव नाउन्स। देखिए, नाउन्स को मैंने दो बार डिस्कस किया है, एक तो नाउन और उसके टाइप्स में चैप्टर नंबर 10 के अंदर, और 20 के अंदर भी जो 20th चैप्टर है जिसमें कलेक्टिव नाउन्स अलग से मैंने डिस्कस किया है, अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। और आज बारी है हमें समझने की नंबर्स के बारे में कि नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, नंबर्स बहुत सिंपल चीज़ है और नंबर्स को आप इजीली समझ भी सकते हैं कि नंबर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी नंबर्स के बारे में बात होती है ना, तो हम नाउन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। इसके आने वाले चैप्टर्स में हम जेंडर्स जो कि नाउन्स रिलेटेड है, एडवर्ब, राइमिंग वर्ड्स और सिंगुलर प्लुरल पे ये कंप्लीट सिलेबस को हम खत्म करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि नाउन नंबर्स के कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। देखिए, नाउन नंबर्स में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वो कौन सी इम्पोर्टेंट है? पहली चीज़ कि नाउन जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है सिंगुलर और जो दूसरा होता है वो होता है प्लुरल। सबसे पहले तो इन दोनों ही चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि सिंगुलर क्या होता है और प्लुरल क्या होता है। सिंगुलर का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को बता रही हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बॉय, बॉय का मतलब होता है लड़का, मतलब एक लड़के की बात हो रही। लेकिन अगर इसी का ही मुझे प्लुरल बनाना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में इस बॉय के साथ में मैं क्या करूँगा? एस लगा दूंगा, तो ये बॉयज हो जाएगा, राइट। तो सिंगुलर से प्लुरल में कैसे चेंज करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होना चाहिए। सिंगुलर मतलब एक और प्लुरल का मतलब होता है जहाँ भी एक से ज़्यादा की चीज़ों के बारे में अगर चर्चा होती है तो उसको हम प्लुरल कहते हैं, राइट। और यहाँ पे हम कुछ रूल्स के बारे में समझेंगे ताकि आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी, राइट। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स को उम्मीद करूंगा कि आप भी अपनी कॉपी में उसके साथ साथ मेरे साथ साथ लिखेंगे जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। उसके साथ आपको भी लिखना है। देखिए, सबसे पहला जो रूल वो क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, इसको ध्यान रखिए। रूल नंबर फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट रूल है हमारा, ये क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि ज्यादातर नाउन्स के लास्ट में, नाउन जो होता है ना, नाउन के लास्ट में एस लगाकर हम बना देते हैं प्लुरल, एस लगाकर बना देते हैं प्लुरल। कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए एक तरफ मैंने लिख दिया सिंगुलर और एक तरफ लिख दिया प्लुरल। कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूँ कैसे एस लगा करके बनाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया बॉय, बॉय मतलब होता है लड़का, तो बॉयज इसका क्या हो जाता है? बॉयज। इसी तरीके से कैट क्या हो जाता है? कैट्स। इसी तरीके से पोएट क्या हो जाता है? पोएट्स हो जाता है,
राइट। इसी तरीके से अगर लॉयन है तो लॉयंस हो जाता है, इसी तरीके से अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड्स हो जाते हैं, FRIEND फ्रेंड है तो फ्रेंड्स हो जाते हैं राइट। तो पहला रूल तो आपको समझ आया होगा कि कुछ नहीं करना, सिंपल एस लगा देना है, ये पहला रूल है राइट। FRIENDS है राइट, एस यहाँ पे लिख देता हूँ, FRIENDS फ्रेंड्स राइट। तो ये पहला रूल हो गया कि नाउन के लास्ट में एस का यूज करके हम लगा देते हैं। चलिए दूसरे रूल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सेकेंड रूल क्या कहता है। सेकेंड रूल ये कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में, लास्ट लेटर, लास्ट लेटर क्या होता है, अगर लास्ट लेटर में आपको एस दिख जाए, डबल एस दिख जाए, सी एच दिख जाए, एस एच दिख जाए, क्या दिख जाए, एस एच दिख जाए, इसके अलावा ओ दिख जाए या फिर एक्स, अगर ये होगा तो उनके लास्ट में हम क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, ई एस जोड़कर हम बना लेते हैं सेंटेंसेस को। तो अब यहां पे सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, तो इन दोनों ही चीजों को हम ध्यान से समझने वाले हैं कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है राइट। तो सिंगुलर में कैसे होने वाला है, देखिए ध्यान से समझिए, एक होता है क्लास, तो अगर मुझे ई एस लगाना हो तो ये हो जाएगा क्लासेस, मैंने क्या बोला लास्ट में डबल एस हो तो ई एस लग जाता है। इसी तरीके से बस, तो इसका हो जाता है बसेस राइट। अब ठीक इसी तरीके से अगर हमें देखना हो बंच, BUNCH बंच, तो इसमें क्या लग जाएगा, BUNCHES। ठीक इसी तरीके से अगर मैंगो है, मैंगो मतलब होता है आम, तो इसमें हम लगा देते हैं MANGOES, बट। जैसे कि एक और वर्ड ले लेते हैं हीरो, तो हीरोज होता है, हीरोज ES लगा देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ वर्ड्स ऐसे आपको मिलेंगे फिर भी जो इस तरीके से वर्क नहीं करते, जैसे फोटो, सिंपल एक वर्ड है, इसमें ओ आ रहा है लेकिन ES नहीं लगेगा, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह देते हैं कि यार ये रूल्स से अलग है, जिनको एक्सेप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सेप्शन कहा जाता है, जो कि इस रूल्स के अलावा नॉर्मल चलते हैं। जैसे कि फोटो, फोटो के लास्ट में वो तो है लेकिन ये इसकी जो प्लूरल होता है वो फोटोज होता है। पियानो वर्ड ले लो, PIANO पियानो, तो ये हो जाता है PIANOS, नॉर्मल ऐसा रहता है। तो ये है हमारा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, जो उस रूल्स को नहीं मानते, तो ऐसे वर्ड्स को भी हमें पता रखना होगा कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इस रूल्स को नहीं मानते, उनको हम एक्सेप्शन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे रूल के बारे में चर्चा करते हैं कि जो कि सिंगुलर से प्लूरल यानी कि नाउन के नंबर्स को कैसे चेंज किया जाता है, वो रूल क्या कहता है। बहुत सिंपल रूल है, देखिए रूल नंबर 3, अगर इफ नाउन के लास्ट में, नाउन के लास्ट में वाई हो, क्या हो, वाई हो, जैसे बी ओ वाई, वाई तो आपको दिख जाता है, लेकिन उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ये जो 5 लेटर होते हैं ना, ए आई ओ यू, इनको छोड़ करके कुछ भी वर्ड्स हो, जैसे बी ओ वाई, तो वाई से ठीक पहले तो ओ है, ये हमें नहीं हो नहीं चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सेंट नहीं, कॉन्सोनेंट वर्ड हो, CONSONANT, CONSONANT, कॉन्सोनेंट हो राइट। तो इसको हम सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बनाते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। जैसे कि उसमें हम वाई को हटा करके, उसमें हम क्या कर देते हैं, वाई को हटा करके IES लगा देते हैं, क्या करते हैं, वाई को हटा करके IES लगा, जैसे एक वर्ड है सिटी, वाई है लास्ट में लेकिन इसे ठीक पहले टी दिख रहा है आपको, AEIOU को छोड़ करके, तो हम इसको क्या कर देंगे, सिटीज कर देंगे, क्या कर देते हैं, सिटीज कर देते हैं। इसी तरीके से एक और वर्ड ले लेते हैं बेबी,
बी ए बी यू आई, तो क्या हो जाता है, बेबीज हो जाता है, बी ए बी आई ई एस, बेबीज। ठीक, इसी तरीके से एक और वर्ड ले लेते हैं, कॉपी, जिसमें आप लिख रहे हो ये सारी चीजें, तो सी ओ पी आई ई एस, दैट इज कॉपीज, राइट। ये हमारा रूल नंबर थर्ड था। तो आपको समझ आ रहा है कि अगर किसी नाउन के लास्ट डिजिट में वाई हो, ये वाई दिख रहा है, और उससे ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, तो वाई को हटा करके, इस वाई को रिप्लेस करके हम आई ई एस लगा देते हैं, तो इस तरीके के वर्ड्स बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं? चलिए आगे हम अगले रूल के बारे में चर्चा करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जितने आप रूल्स को समझ सकते हैं उतना ही आपके लिए वो चीजें बेटर होंगी। चलिए एक और रूल समझते हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं बहुत बार, तो रूल नंबर फोर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी नाउन के लास्ट में क्या एफ हो या फिर एफ ई हो, या फिर क्या हो, एफ ई हो, अगर किसी नाउन के लास्ट में एफ या फिर एफ ई हो, तो उसको उसको वी ई एस में बदल देते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल भी बता देता हूं। अब एक वर्ड लाइफ, सिंगुलर, और ये हो गया प्लुरल, क्या हो गया प्लुरल, एक वर्ड लाइफ, तो एफ ई आ रहा है ना लास्ट में, एफ ई आ रहा है, तो लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइव्स हो जाएगा, एल आई वी ई एस, लाइव्स, लाइफ का लाइव्स हो जाएगा। इसी तरीके से लीफ, LEAF, लीफ, तो ये क्या हो जाएगा, LEAF को हटा करके VE, लीव्स। ड्यूटी है, तो ड्यूटी में तो आपको पता है IES लगता है, इसके पहले वाले में हमने देखा था, जैसे कि नाइफ, KNIFE, तो जैसे नाइव्स। क्या कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, होते हैं ना, जैसे रूफ, इसका हो जाता है, रूफ्स हो जाता है। इसी तरीके से चीफ है तो चीफ हो जाता है, प्रूफ है तो प्रूफ्स हो जाता है। इस वर्ड को नहीं मानते भले ही लास्ट में ई आता हो, इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। रूफ हो गया, चीफ वर्ड हो गया, इसके अलावा प्रूफ हो गया, ड्राफ्ट हो गया, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल्स को नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर मोस्टली वर्ड्स ऐसे ही चेंज किए जाते हैं। चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं और जो हम रूल नंबर 5 में सीखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर के वॉवेल्स को चेंज करके हम बदलते हैं, वॉवेल को चेंज करके सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं, जैसे कि अब देखिए फूट है, एक वर्ड क्या है, फूट है, क्या है, FOOT, फूट, तो फूट का क्या हो जाता है, FEET, फीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर टूथ है, TOOTH, तो इसका क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैन है, MAN, मैन, तो ये हो जाएगा MEN, मैन। अगर वुमेन है, ये क्या हो जाएगा, वू मैन। ठीक इसी तरीके से अगर गूज है, तो ये हो जाएगा गीज। माउस है, तो माइस हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, वॉवेल्स को चेंज करके इजीली और आसानी से चीजों को समझ सकते हो आप। चलिए रूल नंबर 6th के बारे में हम बात करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें EN या फिर REN जोड़ करके भी बनाते हैं, उन वर्ड्स को भी कुछ हम देख लेते हैं। रूल नंबर 7 पे आते हैं, कुछ नाउन में EN या फिर REN जोड़कर बनाते हैं, जैसे सिंगुलर है, फिर प्लूरल है, तो ये ऑक्स है, ये हो जाएगा ऑक्शन। इसी तरीके से अगर चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा। तो ये होते हैं नाउन में ईएन या फिर आरईएन जोड़ करके हम बनाते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिसमें कि आप देखोगे
कि क्या होता है, कभी कभी सिंगुलर और प्लुरल एक जैसे रहते हैं, क्या होते हैं, रूल नंबर हम सेवन, रूल नंबर सेवन के बाद रूल नंबर एट, सिंगुलर और प्लुरल सेम सिंपल रहते हैं, सेम रहते हैं, जिसमें क्या होता है सिंगुलर एंड प्लुरल क्या रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, एक जैसे होते हैं, जैसे कि डियर, इसका भी डियर ही रहता है, जैसे शिप हो गया तो शिप ही होता है, डजन तो डजन का डजन ही होता है, राइट, हंड्रेड तो हंड्रेड ही रहता है, HUNDRED, हंड्रेड का हंड्रेड ही रहता है, और जिसमें सिंगुलर प्लुरल दोनों एक समान ही रहते हैं, कुछ में ऐसे रहता है जो दिखता तो प्लुरल होता है, कुछ नाउंस किसके केवल प्लुरल में ही होता है, सिंगुलर में नहीं हो सकता, केवल प्लुरल भी होता है, केवल ओनली प्लुरल, आप कह सकते हो एट होगा या नाइन होगा रूल, ओनली प्लुरल भी होता है, जैसे पीपल, PEOPLE, जैसे और भी वर्ड्स हैं जैसे कैटल, इनको हम सिंगुलर में यूज नहीं कर सकते, ओनली प्लुरल में ही यूज करें, जैसे कि सीजर्स, इसी तरीके से स्पेक्टल्स, चश्मे जो होते हैं स्पेकल्स, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स हुए, तो ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल प्लुरल में ही सेम रहते हैं, जैसे ये मैंने वर्ड्स बता दिए आपको तीन चार, ये भी एक रूल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कुछ रूल्स को देख करके, रूल नंबर नाइन होगा इधर, कभी कभी नाउन देखने में तो प्लुरल रहते लगते हैं, नाउन देखने में प्लुरल होते हैं, प्लुरल, बट एक्चुअल में वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन बट सिंगुलर होता है वो, देखने में आपको प्लुरल लगेगा लेकिन वो सिंगुलर होता है, जैसे न्यूज देखने में प्लुरल रहे लेकिन है ये सिंगुलर, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स देखने में प्लुरल लग रहे हैं सारे के सारे लेकिन है सिंगुलर, इनिंग्स, तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप समझ सकते हो कि कैसे एक सिंगुलर नंबर को एक प्लुरल नंबर में चेंज किया जाता है, क्या क्या रूल्स होते हैं, लगभग मैंने जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो सारे रूल्स को मैंने कवर करा दिया है, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, कभी आपको डाउट नहीं होगा, नाउन उधर ये होता है ना काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते, जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब देखो एक चीज में बताता हूं, जो प्लूरल नंबर होते हैं ना, प्लूरल जो प्लूरल नंबर होते हैं ज्यादातर अधिकतर अधिकतर काउंटेबल होते हैं, क्या होते हैं काउंटेबल नाउन के ही होते हैं, जो भी प्लूरल रहता है अधिकतर आप कह सकते हो कि काउंटेबल नाउन के ही होते हैं, प्लूरल नंबर हमेशा अधिकतर काउंटेबल नाउन के होते हैं, मतलब उनको काउंट किया जा सकता, चलिए उन्हीं के होते हैं काउंटेबल। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर क्या होने वाले हैं, आप इनके आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से देने वाले हैं, उम्मीद है कि आप सारे आंसर्स को बहुत अच्छी तरीके से आंसर्स आप देने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और सबसे पहले आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखेगा उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इजी वे में आप दे पाएंगे। चलिए सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो चीजें आपको समझ आएंगी कि पहला क्वेश्चंस नंबर्स रिलेटेड क्या है। पहले क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी, डैश फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में ही आपको कुछ चीजें दी गई है कि इज माय फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो
फिजिक लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा हुआ है और फिजिक लिखा हुआ है, तो मुझे ये बताओ कि फिजिक्स कैसा वर्ड है? वो सिंगुलर है दिखने में, तो वो प्लुरल दिख रहा है, अभी मैंने लास्ट में बताया, लेकिन इसका यूज हम एक सिंगुलर की तरह करते हैं। तो फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, राइट? ये सिंगुलर वर्ड है। चलिए, जो रूल्स पढ़े हैं वो सारे रूल्स हमारे काम आ रहे हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम, मन या मप क्या है, वो किस चीज से सफर कर रहा है? तो आप कह सकते हो कि ही इज सफरिंग फ्रॉम मम्प्स, मम्प्स, ही इज सफरिंग फ्रॉम मम्प्स। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये जो मम का मतलब क्या होता है, राइट? MUMPS। अच्छा, जितने बच्चे हैं जो देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट में ये करके बताओ कि मम, अगर आपने कभी सुना है, मम्प्स, मम्प्स वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या होती है, राइट? इसकी मीनिंग क्या होगी, एक्चुअल मीनिंग क्या होगी, ये आपको बताना है कि मम्प्स का मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है, ये एक तरीके से बीमारी होती है, ये बीमारी होती है, अंट जो हमारे रहता है ना, उससे रिलेटेड होते हैं, ये जो गाल होते हैं ना, सूज जाते हैं, उनको हम कहते हैं मम्प्स, मम्प्स हो गया। तो ही इज सफरिंग फ्रॉम मम्प्स, ये मम्प्स हो गया। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जनरली वेरी लेजी। देखिए यहाँ पे बात करी गई है कि जो लोग होते हैं वो ज्यादातर लेजी होते हैं। पीपल वर्ड मैंने बताया था कि एक प्लुरल की तरह होता है, राइट? तो पीपल जनरली वेरी लेजी। और जो पीपल वर्ड होता है वो केवल प्लुरल में ही होता है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डैश सोल्ड चीपर देन गोट्स। सिप जो होती है वो गोट से चीपर होती है, सोल्ड चीपर देन गोट्स, राइट? इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ डैश इज गुड डैश। अगर हम इसको समझे तो न्यूज इज गुड न्यूज, न्यूज इज अ गुड न्यूज। आपको पता है ना कि जो न्यूज वर्ड है, मैंने आपको बताया, जो न्यूज वर्ड हो, देखने में तो आपको लग रहा है कि ये प्लुरल है, बट ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। न्यूज जो वर्ड है देखने में प्लुरल है, लेकिन ये सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इसी तरीके से माई रेदर मेंडेड बाय ब्रिजेस, क्या होगा, ब्रिजेस होगा। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि सेवंथ क्वेश्चन, द डैश वाज अनएनिमस, अनएनिमस लिखा हुआ। तो देखिए, जो हमारी ज्यूरी होती है, जो हमारी ज्यूरी होती है, इसका मतलब आपको पता है ना कि जो जजेस होते हैं उनको, उनके ग्रुप को हम ज्यूरी क्या कहते हैं, ज्यूरीज कहते हैं। और एनी मस का मतलब आपको पता है ना क्या होता है, कि आप उस चीज से एकमत हो, संगठित हो। तो इस जो ज्यूरी होती है वो उसको क्या कहती है, सर्व सब की सम्मति से ये निर्णय लिया गया है। तो ज्यूरी, ज्यूरी हो गया यहाँ पे, सबकी सम्मति से ये निर्णय लिया गया है और इस पर हम ये पहुंचे हुए हैं, इसका मतलब ये होता है, इस नतीजे पर हम पहुंचे हुए हैं। आपने देखा होगा जज वर्सेस सिलेक्टिव चीजें होती हैं, ज्यूरी का मतलब होता है जो न्याय करते हैं, मतलब एक आपने देखा होगा ज्यूरी जो रहती है, जजेस जो रहते हैं वो परफॉर्मेंस को भी बताते हैं, डांस में बच्चों का कि आपके बच्चे का डांस ऐसा है वैसा है, तो सारी चीजें वो बताते हैं। तो ये इसका ज्यूरी होगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई डैश हैव कम, माई डैश हैज कम, माई ब्रदर इन लॉ, क्या, ब्रदर्स इन लॉ, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, हैव कम। डैश ऑफ पीपल अटेंडेंट द मीटिंग हेल्ड द परेड ग्राउंड, तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख ऑफ पीपल, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं, आई लाइक द डैश ऑफ ब्रेन एंड शेली, तो इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शंस, पोइट्री, पोइट्री मैंने बताया आपको कि आई लाइक द पोइट्री ऑफ ब्रायन एंड शेली, पे पोइट्री होगा। माई फादर गैव मी वॉट, माई फादर गेव मी ऑन माई बर्थडे बैनोकुलर्स, क्या, बैनोकुलर्स, बैनो मतलब होता है दो चीज जिसमें होती है, बैनोकुलर्स, राइट? और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जिनको ये नहीं पता होगा कि बायनोकुलर्स का मतलब क्या होता है। बायनोकुलर्स
बाइनोक्यूलर्स का मतलब पता है ना आपको, जो दूरबीन होती है, इसमें दो चीज होती है ना, दूरबीन होती है जिसे हम देखते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन कहा जाता है उसको, अगर हम आप सिंपल वर्ड में समझना चाहते हैं तो उसको हम दूरबीन कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें कि आई नो नथिंग अबाउट हिज, डू यू, मैं नहीं जानता उसके बारे में, कुछ भी नहीं जानता, तो वेयर, वेयर अबाउट, डू यू वेयर अबाउट, कि कहाँ, कहाँ किस बारे में, देर इज नो, नो इन द कंपार्टमेंट, राइट, तो आप कह सकते हो नो स्पेस इन द कंपार्टमेंट, या फिर नो रूम, नो रूम होता है, नो रूम इन कंपार्टमेंट, मतलब जो कंपार्टमेंट है उसमें कहीं भी रूम नहीं है, कोई भी रूम नहीं, कोई भी जगह नहीं है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो आपको समझ में आएगा कि जो मृत्युंजय प्रेफर्स एक्स्ट्रा इन हिज टी, मृत्युंजय प्रेफर एक्स्ट्रा इज हिन टी, तो आप कह सकते हो कि जो है एक्स्ट्रा क्या शुगर या शुगर्स या मेनी शुगर या नन ऑफ दीज, तो आप कह सकते हो कि जो मृत्युंजय है वो एक्स्ट्रा शुगर अपने चाय में लेता है, एक्स्ट्रा शुगर होगा, शुगर्स नहीं होता। टू डैश हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्नड अप एट समन, समन्स मतलब ना पत्र जारी करते, समन भेजा गया है, इनको नोटिस भेजा गया है, समन जारी कर दिया गया, नन ऑफ दीज या समन्स क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे समन्स होगा, दो लोग हैं ना तो समन्स होगा, यस लग जाएगा सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल, कौन सा ऐसा वर्ड है जो प्लूरल है आप बताओ मुझे, चार ऑप्शन दिए गए हैं, गॉट, फॉक्स, डॉग, माइस, तो ये माउस का वर्ड जो है ना माइस, यही तो प्लूरल है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रिगार्डेड एज ए सिंगुलर, जो सिंगुलर की तरह कौन सा वर्ड है, मैंने बताया ना मैथमेटिक्स, कौन सा वर्ड है वो है मैथमेटिक्स, देख तो आपको प्लूरल रहा है लेकिन वो सिंगुलर की तरह होता है, राइट। इसी तरीके से 18th क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल चीज दी हुई है कि प्लूरल वर्ड बॉक्स का क्या होगा, तो बॉक्स का होता है बॉक्सेस, क्या हो जाता है बॉक्स का, बॉक्सेस होता है, ई एस लग जाता है, एक्स है ना तो बॉक्सेस हो जाता है। इसी तरीके से दिया हुआ है कि चूज द सिंगुलर वर्ड ऑफ गिवन वर्ड्स लीव, लीव का क्या होता है एफ, एफ को हटा करके वी एस लगाते हैं, रूल्स में हमने पढ़ा एल ई एफ, एफ लिखा हुआ है लास्ट में, तो एफ को हटा करके वी ई एस लगा देते हैं, तो लीव्स हुआ इसका। इसी तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड प्लूरल बाय चेंजिंग एफ या वी ई एस, कौन, तो थीफ है ना, तो टी एच आई ई वी ई एस थीप का होगा, थीप का होगा, थीव्स, वी ई एस लगा देते हैं, थीव्स। सो आई होप ये जो नाउन नंबर से रिलेटेड जो चैप्टर था ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे जेंडर के बारे में, जिसमें कि चार तरीके के जेंडर्स हम पढ़ने वाले हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर्स। कुछ देखेंगे कैसे हम चेंज करते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन में, यानी कि मेल से फीमेल में कैसे चेंज करते हैं, कुछ रूल्स भी देखेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो, बैच ज्वाइन करना बहुत सिंपल है, आपको लिखना है गद और अपना नाम लिखना है, जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो ये अपना नाम और ये सिटी का नाम लिखा और ये जो नंबर है ना 8770077431 इस पर आपको सेंड करना है मैसेज, हम आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।